नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा, पर दिल कर रिश्ते में लिखता हूँ। बराबर बराबर। कितना उम्र हो गया काका आपका? मैं 67 हो रहा है मेरा। 67 हो रहा है। काम बुता नहीं कर सकता हूँ बेटा, इसी जगह रहता हूँ, झाड़ू बहाड़ू कर बैठ कर रहता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं दीपिका, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीप सत्तू ट्रैवलिंग में। तो दोस्तों, ये है हमारे मैनपाट सीरीज का लास्ट वीडियो और इसी के साथ हमारे मैनपाट की जर्नी भी एंड हो जाएगी। और अगर आपने हमारे बाकी मैनपाट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर मैंशन कर दूँगी, आप ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा आई बटन से। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही अनोखी चीज देखने के लिए जिसका नाम है टुनटुनी पत्थर। टुनटुनी पत्थर इसके तलाश में हम लोग निकले हैं और 2 घंटे से हम लोग तलाश में निकले हैं और क्या हम पत्थर तक पहुंच पाएंगे, जानने के लिए हमारा मन पास का सफर देखते रहिए। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा रास्ता भटकने के बाद फाइनली हम लोगों ने टुनटुनी पत्थर को खोज भी लिया है और हम अब वहाँ पहुँच चुके हैं। दोस्तों, ये जो टुनटुनी पत्थर है जो आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं उसके बारे में आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। ग्रामीणों की मान्यता है कि ये जो टुनटुनी पत्थर है वो राम वन पदगमन में शामिल था और भगवान राम जब वनवास के दौरान यहाँ से गुजरे थे तब उन्होंने इस पत्थर को छुआ था और जहाँ जहाँ भगवान राम ने इस पत्थर को छुआ है वहाँ वहाँ पर निशान पड़ गए हैं। यहाँ का कहानी बात मैं बताता हूँ, कहता हूँ, आवाज सुनाता हूँ। बताइए बताइए, सुन लीजिए आवाज। हाँ, दिखाती है आपका। हाँ, आइए बेटी आइए, बाबा यही रहता है। हाँ, हाँ। अच्छा बेटा, मैं आपको आवाज़ सुना रहा हूँ ना, आप ठोक लेंगे पीछे। मैं छोटे मोटे कई प्रकार का आवाज़ है, आपको मालूम नहीं कहाँ पे क्या बजे, कहाँ पे क्या बजेगा। मैं सुना रहा हूँ बेटा, आप मटके खड़ा, यहीं का मैं सरस्वाइज करता हूँ, सुन लीजिएगा। ये मटके खड़े हो गए ना, अब बजने वाला पत्थर सुना रहा हूँ, छोटा आवाज़ सुन लीजिएगा। आवाज इतना ही बेटा, ठोक लीजिए दीदी। इसका वो बताइए ना, मतलब इतिहास बताइए ना। सूरज डूब गए बेटा, सूरज डूब गए थे, सूरज डूब गया। अभी नहीं, पत्थर ऐसा पत्थर नहीं, जीवन था ये। अच्छा, इसको शराब लग गया थे। अच्छा, धूप को देखिए ना, तीन जहाँ मारा दिए भूंगा उसको मत। हाँ, अगर मैं कहते कहते मैं क्या हो जाऊंगी, सुनते सुनते आप क्या हो जाऊंगी, ऐसा बात क्यों कहेंगे हम। हाँ,
दस करो बेटा, सही ठोक लीजिए बेटी, ठोक लीजिए ठोक लीजिए। नहीं कहता हूँ रायपुर के तो ज्यादा आते जाते, कहा तो 30 गाड़ी से रायपुर का कम ही आया था। अच्छा, दुर्ग का 17 गाड़ी, हाँ भिलाई का 4 गाड़ी, हाँ मेरे पास पूछता हूँ मैं, कहा है कि मेरे को याद रहता है, हाँ हाँ कि कहाँ से आए कहाँ रहे, हाँ तो मैं रजिस्टर में लिखता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, तकरीबन दिल का रजिस्टर में लिखता हूँ। बराबर बराबर, कितना उम्र हो गया काका आपका? मैं 67 हो रहा है। मैं 67 हो रहा है, काम बुता नहीं कर सकता हूँ बेटा, इसी जगह रहता हूँ, झाड़ू बाहर कोई बैठ कर रहता हूँ, हाँ। लेकिन रायपुर को आते तो मेरे को जरूर 150 देख जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो हमारे रायपुर तो हमारा धनी गांव है, हाँ हाँ वही तो हमारे बड़ा महान देवता गांव है। बराबर काका, ठीक है काका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल है ना। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं अपने टूर के अंबिकापुर मेन पार्ट टूर के लास्ट लेग में, और हम पहुँचे थे रेलवे स्टेशन जहाँ से हमारा ट्रेन है अभी 10 बजे, और 9 तो बज चुका है आधे एक घंटे के बाद। ठंड काफ़ी है। रेलवे स्टेशन यहाँ का बहुत मस्त है, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन बनाया गया। देखिए पीछे से भी दिख रहा होगा, और एक बैक साइडेड वाला वीडियो भी है, वो भी आप देखिएगा। बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है, नीट एंड क्लीन है, साफ सफाई का व्यवस्था है, ज़्यादा भीड़ नहीं रहता क्योंकि ट्रेन ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं है स्टेशन में, तो भीड़ ना होने के कारण भी बढ़िया साफ सुथरा मेंटेन रेलवे स्टेशन है। और बहुत ही अच्छा हमारा टूर रहा, कल रात से हमने शुरू किया था और कल सुबह ख़त्म हो जाएगा, अभी जर्नी पर भी बाकी है, रिटर्न जर्नी पर। रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके हैं, लास्ट लेग में पहुंच चुके हैं हमने टूर के, और बहुत अच्छा टूर। कैसा लगा आपको? सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? वाटरफॉल, वाटरफॉल अच्छा लगा, और वो जंपिंग वाला अच्छा लगा, और अंबिकापुर का ये अपना मीना बाजार। चलो दोस्तों, रेलवे स्टेशन में एंट्री करते हैं, चेकिंग वगैरह होगा, बाद में मिलते हैं।